आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मेरा मॉम की तरफ जाने का कोई प्लान ही नहीं था। पता नहीं इन लोगों को कहां से इल्हाम आ जाता है कि मैं मॉम की तरफ गई। अरे आप खुद ही सोचे ना, क्या मैं आज से पहले आपको बगैर बताई या फिर आंटी को बगैर बताई इस घर से बाहर गई हूँ जो आज चली जाती? वो आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि अम्मी और मेरे घर वाले झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, झूठी तो इस घर में मैं ही हूँ, बाकी आपके घर वाले इस दुनिया में सबसे ज्यादा सच्चे और मासूम लोग हैं। आपको तो मेरा साथ देना चाहिए। झूठ बूनों ने बोला और खामियाजा मैं भुगत रही हूँ। पूछे ना उनसे जाकर क्यों उन्होंने छुपाया मुझसे। उन्हें जाकर कुछ कहने की बजाय यहाँ बैठे हुए मुझे लेक्चर दे रहे हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते। मेरे घर वालों को झूठ बोलने की आदत नहीं है। ठीक है, आदत तो मुझे भी नहीं है झूठ बोलने की। और आपको क्या लगता है मैं कोई लावारिस हूँ, कोई यतीम हूँ जिसका जब दिल चाहेगा आकर मुझे सुनाएगा और चला जाएगा और मैं ऐसे ही चुपचाप सुनती रहूंगी? आप क्यों बात का पतंगड़ बना? बात का पतंगड़ मैं नहीं बना रही, आप बना रहे हैं बात का पतंगड़। जाकर अपने घर वालों से ये सवाल पूछें क्यों उन्होंने झूठ बोला मेरे बारे में। आप बताएं क्यों झूठ बोला उन्होंने? इस सवाल का जवाब है मेरे पास, लेकिन खैर इस वक्त आप इतने गुस्से में हैं कि मैं कुछ कहूंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। नहीं, आप प्लीज बताइए। जाहिर सी बात है, जब घर की बहू बेटी से ज्यादा खूबसूरत हो तो कौन चाहेगा बहू सामने आए। आपकी अम्मी और आपकी बहन नहीं चाहती थी कि मैं मेहमानों के सामने आऊं, क्योंकि अगर मैं मेहमानों के सामने आती तो मेरी खूबसूरती देखकर वो लोग नवीन को आपको सुनाई दे रहा है? आप क्या बोल रही हैं? ऐसे घटिया ख्यालात सिर्फ आप ही के दिमाग में आ सकते। हाँ तो फिर ठीक है ना, आपको जो समझना है वो समझे। इस सब में मेरी ही गलती थी, मेरा ही कसूर था, मुझे नीचे जाना ही नहीं चाहिए था। आप जानती भी हैं कितनी एंबैरेसमेंट हुई है। जब बाजी ने बोल दिया था कि आप घर पर नहीं हैं, तो आपको क्या जरूरत थी उनकी बात पर? रोना तो बंद करें यार। सारी गलती भी उनकी थी, सारा कसूर भी उनका था, और खामियाजा यहाँ बैठी भी मैं भुगत रही हूँ। मेरी गलती क्या थी आखिर, क्या कर दिया मैंने? सारी बात बनते बनते बिगड़ गई। इतना अच्छा रिश्ता था, हाथ से चला गया। हाँ तो मैंने क्या कर दिया था? झूठ उन्होंने बोला। और मुझे ये बताएं कि आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? मेरी बहन है, मैं उसके लिए परेशान नहीं हूँगा क्या? अगर वो आपकी बहन है तो मैं भी आपकी बीवी हूँ। जितनी फिक्र बहन की करें थोड़ी सी फिक्र बीवी की भी कर लें। जाकर पूछे ना घर वालों से क्यों दूर रखा मुझे मेहमानों से। जहां तक मेरे इल्म में है, अम्मी ने मुझे बताया कि आप सुबह मेके जा रही थी। साबरा ने भी यही कहा, मैं खुद गया कमरे में, लॉक था। हाँ तो वो दरवाजा गलती से लॉक हो गया था और मैं सो रही थी। मैं इतनी देर तक दरवाजा खटखटाता रहा और आप घोड़े बेचकर सो रही थी। तो कौन सी आफत आ गई? नींद आ जाती है थकावट में, नहीं आंख खुलती। जाकर अपनी अम्मी जान से सवाल करें ना, क्यों नहीं पहले से बताया उन्होंने कि मेहमान आ रहे हैं आज? उल्टा मुझ पर खफा हो रहे हैं यहाँ बैठकर। अच्छा ओके, आपको नीचे बुला रहे हैं। आ रहे हैं। आपको जाना है जाए, मैं तो कहीं नहीं जा रही। अच्छा लिसन, चलो उठो नीचे चलें। सबकी माफी मांगते हैं उनसे। किस बात की माफी? मैं किसी से माफी मांगने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरा कसूर नहीं है। ओके, हम मान लेते हैं सारी गलती मेरे घर वालों की। खुश? लेकिन अगर आप उनसे माफी मांग लेंगी छोटी होते हुए भी, झुक जाएंगी, तो वो खुश हो जाएंगे। सोचिएगा बिनु, जब मेरी गलती नहीं है तो मैं किसी से माफी तो मांगूंगी नहीं। आपको जो सोचना है आप वो सोचे। आपको जाना है ना अपने घर वालों के पास, प्लीज जाएं, लेकिन मुझसे ये उम्मीद ना रखें। माफी तो आपको मांगनी पड़ेगी। क्या सोचेंगे मेरे घर वाले कि मेरी पसंद की लड़की को मेरी इज्जत का ख्याल तक नहीं है? माफी तो मांगनी पड़ेगी। मैं नहीं मांगूंगी माफी, मैंने कह दिया है।
लेकिन आप कहेंगे तो आपकी मोहब्बत में मांग लूंगी माफी, जबकि मेरी कोई गलती ही नहीं है।